मॉडिफाइड लॉकडाउन में अनलॉक के तहत सरकारी कार्यालयों में 25% उपस्थिति के साथ कामकाज शुरू। वहीं आवश्यक सेवाओं में शुमार जिला रसद विभाग में 100% उपस्थिति के साथ किया जा रहा है काम। मॉडिफाइड लॉकडाउन में सरकार द्वारा शुरू की गई अनलॉक प्रक्रिया में सरकारी कार्यालयों में 25% कार्मिकों के साथ कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने बताया कि जिला रसद विभाग पहले से ही आवश्यक सेवाओं में शामिल था, लिहाजा कर्मचारियों की 100% उपस्थिति के साथ कामकाज किया जा रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में डबल गेहूं का वितरण, इसके अलावा BPL व राशन कार्ड से संबंधित जो भी कार्य हैं वह पूर्व की भांति सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट स्थित रसद विभाग को डाक बंगले में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहाँ सभी विभागीय कार्य पूर्व की तरह सुचारू रूप से संपादित किए जा रहे हैं और लोग भी अपने कार्य कराने के लिए कार्यालय पहुँच रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। तो हमारे विभाग तो आवश्यक सेवाओं में आता है। लॉकडाउन के संदर्भ में भी सभी कार्मिकों ने, विभाग के सभी कार्मिकों ने अच्छे से काम किया। हमारी उपस्थिति लगभग 100% ही रही है। कोई जिसके कोरोना नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो, तो उसने छुट्टी भी ले, बाकी हमारा ऑफिस लगातार कार्य कर रहा है। और जितने भी हम सरकारी निर्देश हैं, लोगों की सेवा जिस भी तरीके से कर सकते हैं, पूरी तरीके से हमारे विभाग कर रहा है। राशन कार्ड से ये है, अभी राशन कार्ड थोड़ा गुम गया है तो फिर परेशानी होती है, राशन नहीं मिलता है तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए आज फॉर्म लेकर गई थी मैं, ये तो आज भर के और जमा करा दूंगी सर को, तो सर आगे फॉरवर्ड कर देंगे इसको। अच्छा, प्रोसीजर में 10-15 दिन लगेंगे। कितने दिन से सोच रहे थे? ये काफ़ी टाइम से सर, लॉकडाउन लग रहा है इसलिए नहीं आ पा रहे थे। अब क्या राहत मिली? हाँ, थोड़ी आज राहत मिली है, तो थोड़ा आज मैंने कहा आज काम यही कर लेते हैं, ये फिर काफ़ी टाइम लगता है। अधिकारी वगैरह हैं अभी? नहीं, अंदर गई नहीं हूँ सर मैं, यहीं पर सिर्फ सर से ही बात की। तो क्या लगता है, अब अनलॉक हुआ है तो किस तरह की? हाँ, अनलॉक हुआ है तो वैसे सही है, लेकिन पब्लिक को भी थोड़ा वो करना पड़ेगा, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वगैरह करना पड़ेगा। किस काम के लिए आए थे? और मैं अपनी बिटिया का राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए आया था, तो यहाँ पे ऑफिस में गया तो उन्होंने अपना प्रोसीजर बता दिया है कि भाई इसको नया बना करके और फिर सरेंडर कर सकते हैं। मेरे को जी खुश है भाई, चलो उचित मार्गदर्शन तो मिला है और पुलिस वाले पूछ नहीं रहे हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है कि भाई चलो आने में रात तो मिली है। अच्छा, पहले क्या डर लगता? पहले तो डर लगता था कि साहब घर से बाहर निकलते पुलिस वाले पूछते थे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कभी 2 दफ़े 500 रुपये की रसीद ही फड़ा दी। इसलिए आज से अनलॉक हुआ तो जी खुश है हमारा। सर मैंने राशन कार्ड के चक्कर में आऊँ सर, इसमें क्या है कि पहले मैंने आया था 23 तारीख को, तो उन्होंने बोला था आपको काम हो जाएगा, तो जो है वापस जो चला गया तो ऑनलाइन जो किया बोला कि जो है आपका ऑनलाइन में नाम नहीं आ रहा, राशन कार्ड में नाम है। अब यहाँ आता हूँ तो बोले आप थोड़ी देर रुको, साहब आएंगे तो करेंगे, अभी इसलिए इस वजह से रुके हैं। क्या दिक्कत है? अरे ये कि मेरे को अनाज नहीं मिल रहा, हमारे को परिवार के तो मिल रहा, मेरे को नहीं मिल रहा। जहाँ मेरे को 20 किलो मिलना चाहिए, 15 किलो मिल रहा खाने वाले 5 जने। और कितनी राहत है आज अनलॉक हो गया तो? सब ये लॉकडाउन के चक्कर में सब क्या करें, जब 3 घंटे काम कराते हो सेठ, मजदूरी नहीं मिलती है, ये बात है। आपको राहत मिलेगी? अब सब राहत मिलेगी, आए तो हैं, उम्मीद लेके आए हैं, जब मिल जावे जब ना।